हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी शाम का टाइम हो रहा है, करीबन 8 बजे का टाइम हो गया, 10-5 मिनट ज़्यादा ही हो गया 8 बजे से। तो मैंने क्या, बहुत दिन से रील्स वगैरह नहीं बनाई थी, तो आज बनाई थी रेडी वगैरह होके, और थोड़ा फोटो भी मतलब शूट करवा लिए थे, खिंचवा लिए थे। तो बस अभी फ्री हुई हूँ, समथिंग में 5 बजे से मतलब रेडी होके, टाइम का पता ही नहीं चला कब निकल गया टाइम। तो अभी बनाती हूँ खाना, खाने में भी पूछना पड़ेगा क्या है। वैसे तो भिंडी रखी हुई है, तो सोच रही हूँ भिंडी की सब्जी बना लूँ, लेकिन फिर एक मन कह रहा है कि दाल वगैरह भी बना लूँ, तो अभी पूछूँगी वो बोल देंगे। और मैंने चेंज कर लिया है, कपड़े पहने थे उसमें इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अभी पंखा बंद नहीं किया है क्योंकि बहुत गर्मी गर्मी हो रही है। खैर अभी गर्मी का तो मौसम है, तो गर्मी तो लगेगी, और फिर भी ठीक है, इतना ओवर नहीं है इधर गर्मी सहन करने लायक है। तो ये अंदर वाला रूम है, तो ये है ना ठंडा रहता है, इसके ऊपर बना हुआ है। बाहर वाला है क्या है ना, थोड़ा बाहर से धूप आती तो इसलिए बाहर वाला गर्म हो जाता है, लेकिन कूलर चलता है तो दोपहर में उसमें भी गर्मी नहीं लगती, और इसमें पंखे में ही काम हो जाता है, ये इधर अच्छा है। तो बस अभी हम लोग बैठे हुए हैं, प्रेशियस ने सारा सामान फिला फिला के रख दिया। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखो। और हाँ, मैं रील्स बना रही थी जब तक इसने आगे वाले कमरे का ऐसा हाल कर दिया, अपने टॉय टॉय बगरा बगरा के रख दिए सारे कमरे में, इसका ये ही चलता रहता है। ये देख रही हूँ, चैन वगैरह खोल खोल के रख दिए इसको, तो इसका ऐसा ही रहता है। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी मुझे समेटना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये उधर खेलती रहती है तो मैं शांति से बना लेती, वरना तो फिर भी मुंह खुला रही थी, बोल रही थी मैं मुझे भी ड्रेस बनाओ। मैंने कहा कल पक्का, क्योंकि लेट हो गई थी, तो इसलिए इसके साथ मैं कल सूट फोटो सूट वगैरह करवाऊँगी और रील्स भी बनाऊँगी। थोड़ी याददाश्त बनी रहती है यार, क्योंकि अभी अच्छा भी लगता है ना, ये मतलब इस टाइम पर ऐसा करवाओ, प्रेशियस के टाइम पर ऐसा कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे ही निकल गया, कुछ फोटो शूट वगैरह कुछ भी नहीं, नॉर्मल मतलब इन ऐसा। लेकिन अभी क्या है, ये सब अच्छा लगता है ना, जब आगे चल के मेमोरी वगैरह देखते हैं, तो इसलिए फिर आज मैंने फ़ोटो शूट करवाया था बेबी का, और वीडियो वगैरह बनाई फुल। पहले मैं बस यहीं तक, अब तो मैं फुल बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अभी कितना टाइम रह गया, थोड़ा सा मेरा दिमाग में ही नहीं था, मैंने कहा मुझे शुरू से ही बनानी थी यार। लेकिन थोड़ा मतलब एक रहता है ना अंदर कि कैसा लगेगा कैसा नहीं, कैसा दिखेगा, तो इस चक्कर में फिर मैंने सोचा, फिर ये बोल रहे थे दिखने से क्या है यार, मतलब मेमोरी याददाश्त तो फुल बनाया करो ना तुम, तो फिर मैंने फुल बनाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं फुल बनाती हूँ अभी वीडियो वगैरह। तो खैर, और आगे आगे देखेंगे, तो प्रेगनेंसी में मैं ऐसी दिखती थी, इतनी मोटी हो गई थी या कुछ भी, क्या है पता नहीं कहाँ रख दी मैंने वॉच। और अभी चलती हूँ मैं, पहले बना लेती हूँ खाना, बनना तो ये हमारी क्या। तो गाइस, खाना खाने के बाद अभी मैं और प्रेशियस टहल रहे हैं दोनों इधर बाहर, हवा चल रही हल्की फुल्की, थोड़ा सा गर्मी का मौसम माहौल है। अभी हम लगे हैं टहलने, ये देखो मस्ती कर रही है, ये टहल रही है मस्ती है। और क्या कहा, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं यार, इधर खुला खुला पड़ा है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। अगर लाइट चली जाए फिर तो देखो इतनी आ जाती हैं, इतनी बहुत ज़्यादा। अभी गई थी लाइट, अभी गई थी, वहाँ बैठे थे हम बाहर, तो इतने में तो मतलब बैठे थे तो और ज़्यादा लग रहे थे, फिर हमने टहलना स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा कम लगने लगे थे, तो फिर अब लाइट आ गई, थोड़ी देर के लिए गई थी, मच्छर बहुत है क्योंकि सामने भी खुला खुला पड़ा है, इधर भी खुला, चारों साइड खुला खुला है, तो इसलिए बहुत मच्छर है, पता नहीं कब ख़त्म हो। हाँ मैं बच्चों दिख रही हूँ क्या, अभी करनी है मुझे प्रेस कपड़ों पर। हाँ बच्चों छोड़ना, मैं पौने 10 बजे का टाइम हो रहा है, तो वैसे भी 11, 11:30, 12 बजे तक तो सोते हैं, तो 1 घंटे में जितने पे हो जाएगी उतने पे कर लूँगी क्या। और बाकी आराम करूँगी, अभी तो
15 मिनट और तैर लूँगी मैं, उसके बाद अंदर जाऊँगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई है और मैं अकेली जगह आई हूँ। अभी मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, टाइम 8:30 बजे का हो गया है और गली में ये देख रही हूँ कैसे हो गया है। अभी सुल जाऊँगी इनको तो बस अभी मैं जगाती हूँ और नाश्ते में बनाऊँगी आज मैं। इसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या यार पोहा वगैरह ये तो खा खा के, तो मैंने फिर मेरे दिमाग में आया कि ना मैं सूजी का हलवा और उसके साथ पापड़ वगैरह ये कुछ सेक लूँगी, जो कि कभी कभार जैसे कि गांव में पहले हम लोग गांव में ये ही नाश्ता करते थे। कभी कभार जैसे कोई आता था रिलेटिव गांव में तो पहले ये ही था, क्योंकि ये पोहा वगैरह भी कम बनाते थे, या फिर पकौड़ी सूजी का हलवा ये सब, या फिर सूजी का हलवा पापड़ ये सब बना के देते थे, गेस्ट आते थे उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता था। मतलब जैसे कि फिर हम लोगों को भी मिलता था बाद में खाने के लिए। तो कोई नहीं, आज फिर मैंने सोचा चलो यही बनाते हैं सूजी का हलवा। वैसे भी पेशियस को सूजी का हलवा पसंद है और उसके साथ ये पापड़ वगैरह भी सेक दूंगी मैं, तो ये हो जाएगा आज का हमारा नाश्ता। फिर उसके बाद बाकी करेंगे काम। शाम को मैंने नहीं की थी प्रेस कपड़ों पे क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा और बाहर कूलर पंखा चल रहा बाहर वाले कमरे में, तो फिर मैंने बाहर क्योंकि कूलर पंखा चलता है तो उसमें तो प्रेस कर ही नहीं सकती, कपड़े बार बार उड़ते हैं तो फिर मैंने रहने ही दिया। मैंने कहा चलो दिन दोपहर में देखूंगी, क्योंकि ये अंदर वाला कमरा ठंडा रहता है तो इसमें पंखा भी कम पे चला के और थोड़ा साइड से प्रेस करूँगी तो हो जाएगा। कपड़े दिखाऊंगा आपको कितने रखे हुए हैं प्रेस करने के लिए। ये जो टेबल पे कपड़े दिख रहे हैं ना वो सारे प्रेस करने के लिए रखे हुए हैं, और ये मैंने टेबल वगैरह कवर करके रख दिया है। अभी आंधी वगैरह का मौसम है ना तो इतनी तेज हवा चलती है, और इधर मतलब उस वाले घर से भी ज़्यादा डस्ट आती है। वहाँ मैं सोच रही थी कि इधर थोड़ा कम डस्ट आएगी, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा धूल आती है अंदर तक बहुत ही ज़्यादा, तो फिर मैंने ये सब कवर करके रख दिए हैं। अभी हवा भी चल रही है, आंधी भी आती है शाम के टाइम थोड़ी बहुत, तो बहुत धूल उड़ती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। और चलती हूँ मैं नाश्ता बनाने क्योंकि टाइम हो गया है नाश्ता बनाने का। और मोबाइल किस में लगाऊँ, मोबाइल लगाने की बड़ी दिक्कत है और उसमें लाइट लगाने की भी दिक्कत है बड़ी, कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ, उसमें कम कम दिखता है। तो वो लाइट आज मैं फाइनली खुद ही लगा लूँगी। अरे उनसे वैसे तो वो भी लगा देंगे लेकिन बोलने का टाइम ही नहीं मिला, वो तो फिर में रहते नहीं है, तो फिर शाम को आते हैं, शाम को ऐसे ही टाइम निकल जाता, बात वगैरह करते हैं मस्त, खाना वाना बस ऐसे ही, थोड़ा बहुत टीवी भी देखते हैं, जब तक याद ही नहीं रहता कि लाइट लगवानी है मुझे। तो कल तो खैर वीडियो वगैरह बनाई थी तो टाइम का पता ही नहीं चला मुझे। और चलते हैं अभी तो अपन खाना बनाते हैं, या मैं बातों से आपको सुबह सुबह ही पका रही हूँ। नींद तो इतनी प्यारी आ रही थी, इतनी प्यारी बहुत ज़्यादा आज, वरना तो इधर नींद पता जल्दी खुल जाती है, बाहर से उजाला हो जाता है ना तो करीबन 7:30 बजे तक तो नींद खुली जाती है, लेकिन आज क्या हुआ रात में लेट सोए थे ना तो इसलिए फिर नींद अभी इतनी तेज आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं उठाई, मैंने कहा चलो उठते हैं और इनको भी जगाते हैं वरना लेट हो जाएंगे, तो चलो बनाते हैं और उनको भी जगाते हैं। सो अभी ये सूजी ले ली है और ये कढ़ाई में घी डाली है, तो अभी मैं भूजूंगी सूजी को। सूजी भूजने के बाद फिर इसमें पानी मैंने गर्म रख दिया, गर्म पानी करके जल्दी हो जाएगा, फिर इसमें पानी वगैरह जो भी प्रोग्रेस है वो करती हूँ। चलो अभी मैं भूजने लगी हूँ सूजी को अच्छे से ब्राउन होने तक भूजूंगी और इसके बाद इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी मैंने गरम करने के लिए दूसरी गैस पर रख दिया है तो गरम हो जाएगा, फिर उसके बाद पानी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से पकाऊंगी, सूजी को अच्छे से फूलने दूंगी और उसके बाद इसमें मैं चीनी भी ऐड कर दूंगी,
तो बस चीनी को भी अच्छे से घुलने दूंगी मैं, ज़्यादा थिक नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा पतला, मतलब पतला सा ही बनाऊंगी सूजी के हलवा को। और बस अभी मैंने चीनी ऐड कर दी है इसमें, और प्रेशियस अभी सोई रही है, उसको ये सूजी का हलवा, ये हलवे उसको बहुत पसंद है, जैसे कि गाजर का, सूजी का, लौकी का, ये सारे हलवे उसको अच्छे लगते हैं। तो बस अभी उसको जगाऊंगी मैं, और इधर बन गया है हलवा, इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, और इसको निकाल उतार के रख दूंगी। इसके बाद मैं चिप्स सेकने के लिए कढ़ाई रखूंगी, और सिर्फ चिप्स सेकती हूँ, फिर इंजॉय कर खाते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।